नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को दिया श्राप। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। हमारे शिव पुराण के अनुसार एक पौराणिक कथा है। एक बार की बात है, माँ पार्वती भगवान शिव के सामने चौसर खेलने की इच्छा प्रकट करने लगी। भगवान शिव ने माँ पार्वती के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल आरंभ हो गया। हर चाल में माँ पार्वती भगवान शिव को मात दे रही थी और खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ माँ पार्वती के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। माँ पार्वती जी यह देखकर बहुत ही चिंतित हो गई। यह बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माँ पार्वती से सभी वस्तुएं वापस लेने पहुँच गए, लेकिन माँ पार्वती ने खेल के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं देने से इनकार कर दिया और फिर माँ पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच में खेल आरंभ हो गया, जिसमें माँ पार्वती हार गई और कार्तिकेय भगवान शिव का सारा सामान लेकर वापिस चले गए। माँ पार्वती पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। भगवान गणेश जी ने भी चौसर के खेल में अपने पिता भगवान शिव को हरा दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार माँ पार्वती को गणेश जी ने सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर वापस लाने की बात कही। गणेश जी ने दोबारा प्रयास किया लेकिन भगवान शिव नहीं माने और फिर इस बार भगवान भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूसक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा कर वहां से भगा दिया। भगवान शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से चौसर खेले राजी हो तो वह वापिस लौट कर आ सकते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जबकि अब भगवान शिव अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या बचा है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा भगवान शिव को सौंप दी और खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भगवान शिव हर बार जीतने लगे। भगवान गणेश जी, महादेव और विष्णु जी की ये चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी माँ पार्वती को बता दिया तो माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया कि माता आप क्रोध ना करें, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोधवश उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ बना रहेगा। वहीं इस खेल में भगवान शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दे दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। मेरे प्रेमियों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ।